हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इफ कंडीशन वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, और हम इसके उसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, और इसके लिए आपने कोड यहां पे लिखा, सही किया है, टू से लेके रेंज तक गया है, और रेंज इफ रेंज डॉट 60 देन डॉट वैल्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई 40। बट इसमें मैंने आपको बोला था कि इसको विदाउट इफ भी करना है, जैसे कि एक्सेल में था। इसे कंसेप्ट समझिए, पहले एक्सेल का कंसेप्ट समझिए क्या है। जैसे कि हमने इसको किया ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, तो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। एक्सेल में ट्रू को 1 माना जाता है और फॉल्स को 0 माना जाता है। अब इन दोनों का आपस में सम करें तो रिजल्ट आपको यहां पे 1 आया। अगर मैं दोनों को ट्रू कर दूं तो 2 आएगा, इसे साबित होता है। अब मैं इसमें जो है इसको ब्रैकेट में लेता हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कंसेप्ट होने के लिए पता होना चाहिए ना सर। इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय सेम क्वांटिटी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा नंबर, क्योंकि जो फॉल्स होगा वो जीरो होगा, जीरो से मन को भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। देन इसमें मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया तो रिजल्ट आपके सामने। अब इसी कंसेप्ट को हम वीवीए के थ्रू करते हैं। ये सब कुछ सेम रहेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 पार्ट 2 कर देता हूं, सब कुछ सेम है, इफ कंडीशन हटा देता हूं। और मैं यहां पे डिम टी एज ए बुलियन करता हूं, और टी इक्वल टू मैंने कर दिया रेंज के साथ कंबाइन है आई आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, समझ गए। उसके बाद हमें के एज ए हम वेरिएंट कर देता हूं, जी कभी टाइम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। एन के इक्वल टू हमने इसी वाले को लेता हूं और मल्टीप्लाई बाय कर देता हूं, ठीक है। और अगेन के इक्वल यहां पे के इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 40, सिंपल। अब एक बार मैं इसको रन करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, क्या सर। अच्छा, हमने रिजल्ट के कुछ दिया ही नहीं ना, यहाँ रिजल्ट देना होगा ना। रेंज बी के साथ कंबाइन है आर डॉट वैल्यू इक्वल टू के, अब रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, बट ये माइनस में आया, क्यों आया? पता नहीं क्यों माइनस में आया, मल्टीप्लाई होने के बाद आई थिंक मल्टीप्लाई होने से दिक्कत है क्या?
ओके अगर ऐसा है तो हम इसको एवीएस के अंदर में डाल देते हैं। अब ऐसा क्या हुआ इस पर स्टडी हम बाद में करेंगे। अब ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर वन समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। अतीत जी की क्वेश्चन नंबर टू। हाँ यस सर। एक ही फाइल में करते ठीक रहता, आपने अलग अलग फाइलें कर दी है ना सर, ये दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक ही है। मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स डायरेक्ट डाउनलोड करता हूँ क्योंकि बाकी तो छोटे मोटे एग्जाम्पल है, मुझे यह पता है कि आप कर लिए होंगे। में हमारा है हाँ, इसमें एंड आपने लगाया, विदाउट एंड क्यों नहीं लगाया इसमें? वो बाकी है सर। कर लीजिएगा हाँ यस सर। क्योंकि मैं विदाउट एंड वाला सिस्टम तो बता भी रखा हूँ ना टॉपिक में। हाँ ओके और किसने मेल किया है अतीत जी के अलावा? अमित गौतम। चलिए अमित जी के बाद, अमित जी के बात करते हैं। मैं लॉटरी निकाली तो अमित जी का लॉटरी लग गया है। चलिए मजाक कर रहा था। अमित जी आप सारे क्वेश्चन किए हैं कि कोई क्वेश्चन छोड़े भी हैं? इसमें पेन नंबर रह गया सर बस। केवल क्वेश्चन नंबर वन आपने विदाउट इफ नहीं किया है, कुछ टू थ्री है, टू थ्री सही है, तो फोर भी आपका सही है, फाइव टाइम वैल्यू दे दिया आपने, गुड। सिक्स में आपने नेस्टेड इफ वाला पार्ट किया है, ओके। तो एक मिनट, फिर ये क्यों लगाया नीचे आपने? दूसरी कंडीशन होती है ना सर, उसमें इसलिए लगाया। ग्रेडिंग कर दिया आपने है ना, ग्रेड भी साथ में कर दिया आपने। और यहाँ यहाँ पे आपने किया था, जैसे आपने इफ मार्क्स दिया ग्रेटर देन 60 तो यहाँ पे वापस एल्स लगाया, तो आप यहीं पे एल्स इफ लगा सकते थे। समझे? इतना एंड इफ करने की जरूरत फिर आपको नहीं पड़ता। ओके ओके सर। और यहां भी सेम आपने गलती किया है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है जी। और रेंज वैल्यू इज इक्वल टू वाई, देन रेंज इक्वल टू वाई आपने यहां यहां पे दिया और एंड लगाया ना, और फिर और इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। बाकी सब ठीक है आपका। और आपने 10 नंबर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया, एल सीफ में आपकी प्रॉब्लम है, तो ऐसे एल सीफ पे ध्यान दीजिए। राइट सर? ओके सर। और अगला किसने भेजा है अमित जी के बाद? सर मैंने भी भेजा था। एकता जी? यस सर। नवीन जी आपका भी आया हुआ नहीं फॉर्म एकदम नवीन अलग है। राहुल 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 अमित गौतम किरण सागर सिमरन ओके एकता जी आपका भी आ गया हुआ, जितेंद्र जी का भी आया हुआ है, तो उनका भी देखूंगा इसके बाद। आपने सारे क्वेश्चन किए हैं सर? मेरे को ये तीन क्वेश्चंस वाला फाइल भेजा था, तो मैंने इसी तीन को किया है, बाकी सारे आपने क्लास में करवाए थे।
नहीं आपको तो भेजा तो पूरा कुछ फाइल किया होगा ना, सबको एक साथ भेजा है ना, आपको अलग से थोड़ी भेजा था मैंने। ओके तो मैं दोबारा चेक कर लूंगी, हो सकता है मैंने बहुत सारी फाइल डाउनलोड की थी तो मैंने ये वाले पे करा था। नहीं मैं तो एक साथ कंबाइंड मेल भेजा था ना, आपको एक्स्ट्रा तो नहीं अलग से। चलिए आपने इस 1 मिनट, इससे पहले आपने कौन कौन से 11वें क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन किया आपने? मुझे भी यही फाइल मिली। आपको भी ये फाइल मिली है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ लोगों को पूरा मिला है कुछ लोगों को आधा मिला है। मेरे पास तो पुरानी फाइल थी तो मैंने उससे किया था सर। शायद हो सकता है मेरी गलती हो, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन सर ऐसा है कि हमको भी ये नया वाला ही फाइल मिला था, एक्चुअली हमारे पास पुराना वाला था इसलिए उसमें से किया। मेरी गलती हो सकती है, बहुत सारे फाइल डाउनलोड होता है ना इसलिए। ये देख लिए आतिश जी, हाँ यस सर, ये आपका 10वां क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, ये 10वां क्वेश्चन का आंसर है, दिख रहा है सर आपको? सर मैंने यहाँ पे जो आप ऊपर रेंज B6500 लेते हैं उसके बाद एक्सेल अप करते हैं, मैंने वहां पे वर्कशीट का काउंटे फंक्शन लगा के ट्राई किया काउंटे था। फंक्शन लगा सकते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होगी जब बीच में ब्लैंक होगा तो काउंटे आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर, ध्यान रखिएगा अगर बीच में कोई ब्लैंक हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये आपका सही है, अच्छा किया आपने, गुड। लेकिन वो फाइल आप लोगों को गलत मिल गई ना, ये दिक्कत है। काम करता हूँ मैं, क्योंकि को गलत फाइल मिला हुआ है नाम बताइए, सही फाइल भेज देता हूँ। मेरे को एक इस पांडे जी की जो फाइल है वो मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, उसमें सोल्यूशन भी है। एकता जी है और किसको मिला है, जितेंद्र जी आपको, हाँ और किसको है? और किसी को चाहिए फाइल? नहीं सर है हमारे मेरे पास है। हम अमित गौतम जी की जो सॉल्व फाइल है वो फाइल हम आपको भेज देते हैं। सर ये वाला मेरा है होमवर्क वाला। ये होगा, मैं इनके बाद 3 फाइल बाद नहीं है, पहले अमित का ही फाइल खोला था। मैं देख भी लेता हूँ गलत तो नहीं होगा, यही है फायदा। तो मजा आया आप लोगों को इफ कंडीशन के टेस्ट करने में? कुछ नॉलेज मिला? जी सर बिल्कुल। ओके तो डिफिकल्टी कहाँ पे आई मुझे आप लोग बताएं, कि मुझे यहां पे डिफिकल्टी हुई। कोई डिफिकल्टी नहीं थी आपकी? ओके तो आपको मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं राइट, उसमें इफ के रिलेटेड पूरा थ्योरिकल पार्ट दिया गया है, ठीक है। मैंने जब इफ सीखा था तो मैंने उसी से सीखा था, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इसी से सीखा हुआ है, इसी साइड से अच्छी तरीके। If then else, देख रहे आपको?
ये रहा इफ का। इफ का काम होता है इफ कंडीशन रिजल्ट हुआ, एल्स इफ कंडीशंस टू रिजल्ट टू, और ऐसे कंटिन्यू चला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्स इफ। ठीक है, नॉर्मली अगर आप जो इफ दीजिए कंडीशन दीजिए, यहाँ पे एल्स इफ हो गया, इसके बाद हम इसमें नेस्ट डालते हैं, ये आपका दिख रहा होगा कि इफ ये हमारा नेस्टेड इफ का पार्ट है, एग्जांपल के साथ दिया हुआ है इसमें, तो इसको एक बार आप स्टडी करेंगे ही करेंगी। साथ में इसमें आपको एक आता है फॉर्मूला केस का, केस के बारे में जानने क्या है, तो आज हम आपको केस पढ़ा देते हैं कि केस करता क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे सिलेक्ट केस एल रीजन, अगर केस एन है तो यहाँ पे नॉर्थ है, एस है तो साउथ है, इसके लिए अगर आप इफ की इस चीज को इफ के जरिए करते तो आपको क्या क्या करना पड़ता, और लगाना पड़ता ना कि इफ एल रीजन इक्वल टू एन और एल रीजन इक्वल टू एस, और इस तरह से देना पड़ता। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से कर पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर नंबर से वन बिटवीन का है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, इस पर आपको एंड देना पड़ता। मल्टीपल्स 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 0, 7, 8, ये और के जगह पे इसने ले लिया, और यहाँ पे आपके ग्रेटर देन को भी ले लिया। तो ये सिलेक्ट केस का यूज किया जाता है। तो ये बताने का पर्पस यही है आपको कि आप इसकी मदद से जो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको इस पर स्टडी करके आपके जो क्वेश्चन नंबर, जो आपकी इंसेंटिव का क्वेश्चन था, जो आपका क्वेश्चन था इसका क्या बोलते हैं इंसेंटिव का, ग्रेडिंग का, उसको आप इस सिलेक्ट केस पे बना के मुझे भेजें, समझे? यस सर। आप लोग समझ में आया जितेंद्र जी? यस सर, समझ में। तो मुझे आप जो है उस पे कीजिए सिलेक्ट केस पे, फिर अब कल से हम आपको लूप की तरफ बढ़ेंगे। और दो क्लासेस आप लोगों को नहीं दे पाया था मैं, इसलिए माफी चाहूंगा। और वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा साइक्लोन, बहुत बड़ा साइक्लोन आया हुआ था, जिस कारण से हमारे बिहार में बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा था, इसलिए जो है हमने आपको क्लास नहीं दे पाया, क्योंकि इंटरनेट स्लो चल रहा था और पावर की भी प्रॉब्लम थी। इस पे कीजिए आप लोग प्रैक्टिस, और हम इसका सेक्शन यहाँ पे खत्म करते हैं, हम बात करेंगे लूप पे। ओके ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, पूछिए। वो मैंने एक भेजा है सर, थोड़ा ओपन करेंगे, ईमेल किया है सर। थोड़ा ओपन तो नहीं होगा, ओपन होगा तो पूरा ही होगा। क्या करें, पूरा करें? हाँ सर, पूरा ही कर लीजिए सर। चलिए ये सर, क्या करना है इसमें? इसमें जो है सर, ये जो डेटा है जो हमारा, ये हर एक मिनट पे चेंज होता है ऊपर का जो, और मैं चाहता हूँ कि हर एक मिनट पे जो है ये नीचे पेस्ट होता जाए। अच्छा, ये चेंज होता है, इसको नीचे यहाँ पेस्ट करना चाहिए यहाँ पे। जी जी, हर एक मिनट पे। मैंने वी लुकअप किया था लेकिन नहीं हो पाया। वी लुकअप में थोड़ी होगा सर, डेटा पेस्ट थोड़ी होगा। सवाल तो बहुत अच्छा आपका। चेंज कब होता है ये? हर एक मिनट पे होता है ये चेंज, मतलब कब, जब आपका स्टॉक मार्केट चलता है तब।
जी कहाँ से डेटा आता है? जी हर एक मिनट में चेंज होता है, राइट? चेंज हो रहा है बैकग्राउंड क्यूरी। ये अच्छा, इससे एनएसए इंडिया से है ना? इंडिया से सर। तो इस पे मत लगाइए, नीचे मत कहिए, इसमें गलत है। कहीं भी हो वो एक रिकॉर्ड होता जाए कि दूसरे शीट में सर ये तो होगा। ठीक है, लेकिन कब चेंज होता है? अभी इस पे टाइम पे ना, स्टॉक मार्केट के टाइम पे चेंज होता है ना सर? जी। ये आपका अपना टूल्स है या फिर ऐसे ही ले रखा है हमने आपने? नहीं सर, ऐसे ही एक क्वेरीज मतलब जरूरत पड़ता है तो वो ऐसे देख रहा था मैं। ये आपने वेबसाइट से किया हुआ है सर, जी हम कल वीडियो बना के डाल देंगे। जी सर। क्यों? रीजन ये है कि हम कैसे देखेंगे कि वो चेंज हो रहा है, तो डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है जी क्या? जी सर। ओके तो सेम सीट पे नहीं होगा, अनदर सीट पे होगा। सेम सीट पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब चेंज होगा तो अब यहाँ चेंज हुआ तो एक्सेल तो रीड करेगा पूरा डेटा ना, तो इस पे भी चेंज होगा ना, इसको भी देख लेगा। कॉपी पेस्ट अगेन अगेन माइक्रो स्टॉप करने का कोई टाइमिंग ही नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ चेंज होता है तो इसको यहाँ डाल देगा दूसरे सीट पे। दूसरे सीट चलेगा ना सर आपका? जी। ठीक है, यहाँ कल आपको करके दे देंगे। ओके तो परमेश का फोन कर लीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं सर, बस मुझे कोडिंग इसकी पता है, कर दूंगा, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा ना। ओके नो प्रॉब्लम, इसलिए हम इसको कल दोपहर में जब मार्केट खुलेगा तो करेंगे इसको। ओके सर। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।